भारतीय लिखित परीक्षा जूनियर की स्पेशल सीरीज टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज आपके बीच आज ही है। ये खंड क है, निशुल्क क्लास देशित में राष्ट्रित में आप सभी के लिए है और इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। मेरा गला बुरी तरह से ख़राब हो चुका है, बैठ चुका है, लेकिन आपकी क्लास इस गले से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी इसलिए मैं आपके बीच लाइव हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी क्लास की हम और आप शुरुआत करते हैं। कि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। अब की बार एक सीट हमार। यहाँ पे देखिए आपके सामने प्रश्न है, राम जो है वो श्याम से लंबा है, माने जो राम है श्याम से लंबा है लेकिन मोहन से छोटा है, लेकिन क्या है, मोहन से छोटा है। फिर कह रहा है अली जान से छोटा है, अली जो है वो जान से छोटा है, जान श्याम जितना लंबा नहीं है, जो अली है वो श्याम जितना लंबा नहीं, मतलब श्याम इससे बड़ा है। अब अगर श्याम, अब श्याम से बड़ा कौन हो गया, राम, और राम से बड़ा कौन हो गया, मोहन। तो मैं पूछा है कि बीच में कौन खड़ा है, जरा कमेंट करके बताइए कि बीच में कौन खड़ा है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सरकारी नौकरी लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी उतनी आसान नहीं है जितना हम और आप समझते हैं, उतना कठिन भी नहीं है जितना लोग कहते हैं, यह आपकी मेहनत के ऊपर है। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक मध्य में कौन है, श्याम है, ठीक मध्य में कौन है, श्याम है। ठीक है, दोनों को मिलाने को पता चलेगा श्याम सीधा सीधा मध्य में है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने है, हेमा तथा साधना संगीत तथा नृत्य में बहुत ही कुशल है। अगर मैं बात करें तो जो हेमा है किसमें, संगीत में, नृत्य में, हेमा तथा साधना, साधना भी किसमें, संगीत नृत्य, माधुरी तथा साधना योग तथा संगीत में। तो अगर माधुरी की बात करेंगे तो माधुरी किसमें, संगीत और योग, तो योग में ये भी है और योग में ये भी है, ठीक। फिर कह रहा है माधुरी तथा रीता अभिनय तथा चित्रकारी में, माधुरी हुई है रीता, ये चित्रकारी करना है और अभिनय, ये भी अभिनय और ये भी अभिनय। तो यहाँ पर पूछा रहा है इनमें से किसे कला सम्यक बनाया जा सकता है, कला सम्यक किसे बनाया जा सकता है। देखिए इसमें कला सम्यक किसे बनाया जाता है, तो हमने ये देखा कि जो माधुरी है वो योग भी सीख रही है, संगीत भी सीख रही है, अभिनय भी सीख रही है, चित्रकारी में कुशल है, अर्थात माधुरी को कला समन्वयक बनाया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक क्या होगा, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा सी इसका राइट आंसर होगा। जैया आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में जुड़ने के बाद यह वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, चाहे इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, क्योंकि हम आपके लिए इसलिए लाइव लेकर आए हैं ताकि आपके रेगुलेटरी ख़राब ना हो और आप रेस के घोड़े हैं, रेस में अच्छे लगते हैं। हमारा गला खराब है लेकिन आपकी कैरियर आपके क्लास से बढ़कर नहीं है, इसलिए क्लास का आनंद कॉपी कलम लेकर लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या करना है, कथन। कह रहा है सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं, तो जो खिलाड़ी हैं ये सभी क्या हैं, धूम्रपान करते हैं, ये हो गए हमारे खिलाड़ी और ये धूम्रपान करते हैं। फिर कह रहा है कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदि हैं, माने धूम्रपान करने वाले जैसे यहाँ से मान लेते हैं किसके आदि हैं, शराब के, शराब के आदि हैं। तो आपको ये बताना है निष्कर्ष क्या निकलेगा प्रश्न नंबर 3 का। सभी धूम्रपान करने वाले खिलाड़ी होते हैं, जी नहीं कुछ होते हैं, माने ये गलत, कुछ शराब के आदि धूम्रपान है, जी हैं कुछ शराब के आदि धूम्रपान है, मतलब इतना सेक्शन, इसलिए इसका क्या निकलेगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं,
क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। ये 40 दिनों में आपको इतिहास रचना है, बस थोड़ी सी मेहनत करना है, यकीन मानिए सफलता आपकी कदमों में होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आराम से पढ़िए, लोगों को शेयर करिए, किसी के माँ बाप का उम्मीद उनका बच्चे का भविष्य होता है, उसी तरह आप भी हमारे लिए बेहतर हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है IKJ, ठीक, IKJ, NOPSOT। यहाँ पे हमने देखा 9/2/11, अच्छा यहाँ पे ऐसे देखते हैं हम लोग इस सीरीज को, आई के बाद यन, माने ऐसे इसको कोड करते हैं ना, आई कितने पे आएगा 9/11/10, इसको डिकोड करते हैं 14/16/15, फिर है आपका 19/21/20, तो 9/5/14 नहीं है ना इसे, देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम, ये है 9 में 3 जोड़ेंगे, इसे जे है ना, इसमें 10, ये हो जाएगा आपका, जैसे हम किसी भी शब्द समूह के किसमें शब्द में जाएं, प्रथम शब्द समूह के अंतिम अक्षर में, अंतिम अक्षर क्या हो गया 10, में अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं कितना 4, 14 हो गया, 15 में 4 जोड़ रहे, 19 हो गया, 11 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 होगा, 15 पे क्या है आपका, अच्छा अंतिम 20 है ना, तो 20 में 4 जुड़ेगा तो 24, 20 में 4 जुड़ेगा 24, 24 माने यक्स, फिर 11 में 5 16, 16 5 21, 21 5 26, 21 5 26 माने जेड, फिर 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 माने वाई, यक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। हमने ध्यान से देखा प्रत्येक अक्षर को हमने मिला लिया, ठीक है, तो आपके सामने क्लियर हो गया ना, पहले 4 4, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा, इस तरह हम लोग मिलाते गए। अगला सवाल है, जैसे नौकायन घोड़े, नौकाएं घोड़े हैं, उसी तरह नौचालन क्या है, देखिए नौकाएं घोड़े संबंधित है, उस प्रकार नौचालन घुड़सवारी से संबंधित, किस घुड़सवारी से, ठीक है। अगला सवाल, यहां से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अगला है जनजाति मिलाना है, एस्किमो जो जनजाति है ये उत्तरी ध्रुव में कनाडा साइबेरिया में पाया जाता है, मसाई जो है, हाँ देखिए टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, ऐसे लिख लीजिएगा टुंड्रा प्रदेश, मसाई जो है ये केन्या में, मसाई केन्या में, बद्दू जो है वो सऊदी अरब में, बुशमैन बोत्सवाना, यहाँ पे क्या है कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो भी होगा आप देख लीजिएगा, मेरी तबीयत सही नहीं, मेरा गला बैठ गया है, लेकिन आप पूरे मनियों के साथ पढ़िए, आपके पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देंगे, आपके सिलेक्शन में कोई कमी होने नहीं देंगे, बस आप अपना बेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आपको अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करना है, अपने अभिभावक का भी। अगला सवाल है आपके लिए, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ है, बहुत ही आसान सवाल है, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की दीवार है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर क्वींसलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है, यह लगभग 2300 किलोमीटर लंबा है, 2300 किलोमीटर लंबा है, ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? हमारे पास दवा लेने के भी टाइम नहीं है, लगातार क्लास आपकी है। ठीक है, स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। सैन फ्रांसिस्को को कि जो खाड़ी के दोनों को जोड़ने वाला पुल है, इस कारण गोल्डन गेट से तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी को दोनों छोर में जोड़ने वाला एक पुल है, इसे हम सैन फ्रांसिस्को के स्वर्ण द्वार का नगर कहते हैं। ठीक, अगला है टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? देखिए, टकला मरुस्थल जो है जिजियांग में है। कहाँ पर है? जी यांग, यूबर में। ये कहाँ पर है? चीन। कहाँ पर है? चीन में। ये कुंडुल पर्वत तथा पश्चिम उत्तर पामीर के तियानसान पर्वत से घिरा है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चाइना होगा। क्या होगा? चाइना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे आपके लाइव चलती है। वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद ना अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा जिसे आप सरकारी शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, उन सभी तक पहुँचाइएगा। मेरे नाते मत उनके माँ बाप के सपनों को पूरा कराने के लिए अब की बार एक सीट हमार। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा गौतम बुद्ध नगर। क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? नोएडा का फुल फॉर्म किसी को पता है? देखिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश स्पेशल का सवाल है ये। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापता है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। देखिए, अगर ध्वनि की बात करता तो डेसिबल, और ओजोन परत की माप की बात करेगा तो बी होगा डॉप्सन। क्या होगा? डॉप्सन होगा। जी हाँ, आपकी बार एक सीट हमार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तबीयत खराब हो जाएगी, बेड रेस्ट पर हो जाएंगे, लेकिन हारने से पहले हार नहीं मानेंगे। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, जल्दी से कमेंट करिएगा। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंख पर परावर्तित करती है, हरे रंग को अवशोषित करती है गलत, हरे रंग अति सही जगह परावर्तित करती गलत। इसका उत्तर होगा यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्त करती है। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करता है? बस, रिंग, स्टार, ट्री। यहां पर इंटरनेट सिस्टम ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। ट्री, ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? खुले में रखा दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। कार्बोनिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, किस कारण? तो जल्दी से आज क्लास को ख़त्म करेंगे, इसलिए थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरा ज़रा सा भी हिम्मत नहीं है, आवाज़ नहीं बाहर आ रही है।
बस यही था कि डेली 9:30 बजे हजारों बच्चे इंतज़ार करते हैं कि दुर्गेश सर लाइव आएंगे और हम अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे। तो मेरे साथियों, हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप अपने माँ बाप को निराश मत करिएगा। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? जल्दी जल्दी कॉमेंट करिएगा, प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, विदेशी विनिमय दर, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक विवरण, ये गलत, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके लिए सवाल, निम्न में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP ठीक असूली करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत कीमत आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान, कौन? जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। मैंने कहा यहाँ परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाए चलेगा, यहाँ गलती हो जाए जो लाइव पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा हाल में कोई गलती नहीं करना है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का प्रत्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य साधनों की बचत, निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए, इस प्रश्न का अगर उत्तर हम देखें तो श्रम पोषणी विकास, इसकी अवधारणा 1962 में रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में और 68 में जो विज्ञान पाल इरिचिल की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ है। ठीक, मैंने वर्तमान भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इनका इस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके, कम से कम हो सके। ठीक, अगला है, किस राज्य ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया? ये करंट के सवाल है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया? जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है वो 3 डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो को HD में कर ले, 360 पे कर ले, 480 पे कर ले। यह होगा इसका उत्तर ओडिशा। ओडिशा क्या है, परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है, इसे ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा ESI विभाग की 22 अन्य ऑनलाइन सेवाओं के साथ लॉन्च किया था। यह पोर्टल और ऑनलाइन सेवा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने में सहायक होगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। अगला सवाल है, वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया? बताइए, ये म्यूरिख में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? ज्यूरिख में, ज्यूरिख में आयोजित हुआ था। ठीक, दूसरी बात, यहाँ लूसी ब्रोंजे कब? 17 दिसंबर 2020 को। 17 दिसंबर, ये टॉप के करंट है आपके परीक्षा में सिलेबस के अनुसार। लूसी ब्रोंजे को 2020 का सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का खिताब जीता। यह इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए राइट बैक के रूप में खेलती हैं। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान से किसे सम्मानित किया जाता है? बताइए, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। यह है आपके रतन टाटा। कौन होंगे? रतन टाटा। सोचिए, कितने प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है ना, बहुत हाई है,
हल्के मत लीजिएगा, सिलेक्शन इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी है अभी और आपको। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है, 21 दिसंबर को महान संयोजन के रूप में ज्ञात एक कार्यक्रम के तहत किन दो ग्रहों के निकटतम लाया जाएगा? प्रश्न नंबर 21, शनि और बृहस्पति। सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति शनि करीब आ जाएंगे। यह घटना लोकप्रिय रूप से क्रिसमस स्टार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? क्रिसमस स्टार के रूप में जाना जाता है। ठीक, सोलविंडिस है किस देश में खोजा गया? एक तरह का साइबर हमला है, यह यूएसए में खोजा गया। कहाँ पे? यूएसए में खोजा गया। यह हमला अमेरिकी सरकार, उसकी एजेंसी और कई अन्य निजी कंपनियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े लक्षित हमलों में से एक सामने आया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको लगे कि लाइक करना है तो लाइक भी जरूर करिएगा, लेकिन हाँ, उन सभी साथियों तक पहुँचाइएगा जिन्हें आप सरकारी शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं। कि हर माँ बाप का सपना होता है उसके बच्चे उससे भी आगे जाएं, और एक टीचर भी चाहता है उसके बच्चे पढ़ाए हुए उससे भी आगे जाएं। तो मैं हमेशा चाहूँगा आप ऊँचाइयों को छुएं। अगला सवाल है, कौन सी रिप्त घाटी या ब्रज घाटी से होकर बहती है? प्रश्न नंबर 23, जवाब दीजिएगा। देखिए, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये ब्रज घाटी से बहती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए होगा। ठीक, अगला है, भारत किस राज्य समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? 24, यहां पर होगा आपका। जैसे अगर समुद्र तट रेखा की बात की जाए, ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पांच राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा अरब सागर का स्पर्श करती है। सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा गोवा। ठीक है, लगभग 1214 किलोमीटर है, और गोवा का लगभग 160 किलोमीटर। इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 25, सभी लोग, जैसे ये हमारा भारत हो गया, बताइए जल्दी से। ये कहाँ पे है? यहाँ पर है। क्या नाम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाली खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए राइट आंसर होगा। जी हाँ, ए इसका सही जवाब है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, जल्दी जवाब दीजिएगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार 5 वर्ष या 65। किसके द्वारा? RTI 2005। उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव है। कौन है वर्तमान में? कौन है लिख लीजिएगा, सुधीर भार्गव है। ये कैसे पता चला? ये RTI 2005 के माध्यम से ये पता चला। ठीक है, कोई दिक्कत? चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है, आदर्श जलवायु है
आदर्श जलवायु है, जल्दी बताइए कमेंट करके। सौ सेमी से ऊपर वर्षा, 25 सेल्सियस से ऊपर तापमान, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है? 28 गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ठीक है, किस पर है? नर्मदा नदी पर है। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। कल्हड़ की रास्तरंगड़ी, जी हाँ, सरकारी शिक्षक बनना है तो डेली आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सभी क्लास आपको निःशुल्क मिल जाएगी। कुछ स्पेशल क्लास थी लेकिन मेरा गला खराब हो गया, इसलिए स्पेशल क्लास हम पोस्टपोन कर रहे हैं। सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जहाँ पर आपको भाषा, SST, मैथ एंड साइंस, इन सभी क्लास और फर्स्ट पेपर, इन सभी क्लास ई लर्निंग दुर्गेश पर उपलब्ध है। जौनपुर जनपद की सिराज हिंस, कल्हड़ की रास्तरंगी को किसने आगे बढ़ाया? रोनराज व श्रीवर ने। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की रास्तरंगी से मिलता है। कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में 1127 से लेकर 1159 शासनकाल में किया था। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित दो विद्वान जोनराज, उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की रास्तरंगी को आगे विस्तार किया। ठीक है, चलिए अगला। सरकारी आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए? सभी लोग जवाब जरूर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी लोग चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पे लेनी भी दुर्गेशी है। देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के सरकारी आयोग जून 1983 में आयोग गठन किया गया और जनवरी 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? तीन सत्य हैं और एक सत्य नहीं है, जवाब दीजिएगा। देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त क्यों होता है? जी हाँ, ठीक, प्रसाद पर्यंत होता है, 156(1). ठीक है, वह एक सदी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक बना सकता है। अगर यहाँ प्रसाद पर्यंत होता तो प्रसाद पर्यंत या ऑप्लिक होकर, वह समझ राज्य की व्यवस्था का पद हटाया जाने का है? जी नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? डी, जो गलत है वही सही है। माने 31 का क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है कौन? कमेंट करके बताइए जल्दी से। सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिए और जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, इसमें राज्यसभा के सीटों का आमंत्रण है, ये है सातवीं, आठवीं है ना, ये होगा आठवीं, ये है आपकी सातवीं, ये है आपका पांचवी। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है? 33,
देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मंत्रिपरिषद जो है अविश्वास विपक्ष लाता है, भर्सना विपक्ष लाता है, अस्थगन, लेकिन विश्वास प्रस्ताव जो होता है वो मंत्रिपरिषद ही ला सकती है। कौन? वह मंत्रिपरिषद ही ला सकती है। संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जा सकता है। इस प्रकार का प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उसके लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद या उसमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। ठीक। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह अपने सभी कृत्यों का निर्वहन, शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। वह संघ की कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी जो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 53(1) में यह बात कही गई है। ठीक। अगला, एशिया पेप्सिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यह है शशि शेखर वेम्पत्ति। वेम्पत्ति ये भारतीय प्रसार भारती के सीईओ के 3 साल के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है। अगला है 36। गुजरात में 7 साल पुरानी रेलवे लाइन का नाम क्या है? संभावना है कि पश्चिम रेलवे द्वारा इसे बंद किया जाएगा। बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिलीमोरा बाघई लाइन यह गुजरात के सबसे घने जंगलों के कुछ इलाकों से होकर गुजरती है। इसका उपयोग गहन वन क्षेत्रों से साग लकड़ी के परिवहन उद्देश्य के लिए किया गया है। ठीक है। इस नैरो गेज मार्ग में से एक बिलीमोरा वाघई लाइन है। इस रूट ट्रेन का संचालन 1913 में वडोदरा रियासत के गाकड़वाड़ शासकों ने शुरू किया था। अगला सवाल है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी? एकदम आसान प्रश्न है। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 27। 27 है ये बीच की, इसके बाद 28, इसके बाद 26। तो पूछा मध्य की संख्या 27 क्या होगी? 27। एकदम हलवा वाले प्रश्न है। क्या आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे? जितने लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर। तरीका क्या है? टेलीग्राम दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ऐसे ही ई लर्निंग पर दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज गला बैठा, जो बाद में आ रहे होंगे सोच रहे आवाज़ कैसी आ रही है, गला खराब है पूरा। इसरो ने स्पेस रिचुलेशन अवेयरनेस समर्पित किया। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये नेत्रा क्या होगा? नेत्रा ये भारत के अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करेगा। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। रिमाइनिंग ह्यूमन मोबिलिटी अगला सवाल आपके सामने है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद
प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, सभी अनुच्छेद के बारे में आपको पता होना चाहिए, सभी अनुच्छेद के बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ पर होगा अनुच्छेद 19, आपके लिए कैसी महत्वपूर्ण है 20 भी और 22 भी, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें अगर देखा जाए तो 19 कह वाक्य स्वतंत्रता अभिव्यक्त की स्वतंत्रता है, ठीक है। अगला 41, सर्वप्रथम संरचनात्मक सरकार किस देश ने प्रारंभ की, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे। फर्स्ट पेपर, अब की बार एक सीट हमार, जल्दी बताइए संसदात्मक सरकार किस देश से प्रारंभ की गई। 41 का जवाब जल्दी दीजिएगा, थोड़ा जल्दी से खत्म किया जाए, 10 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। यूके में शुरू किया गया, ठीक, विश्व में इतिहास में ब्रिटेन में शुरू किया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, पहले बताइएगा संविधान सर्वोच्च है, राजव्यवस्था स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है, ठीक है। संविधान क्या है, सर्वोच्च है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कौन कौन है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ज्योति मठ की बात करें, पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, श्रृंगेरी में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम नामक चार मठों की स्थापना की गई। इसका उत्तर क्या होगा, मुजफ्फरपुर किसफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, 30 अप्रैल 1908। बिहार के मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, द खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। सुबह 6:30 बजे करंट की क्लास आपके लिए ई लर्निंग दुर्गेश पर लाइव आ जाती है। 45 का जवाब दीजिएगा जल्दी से कमेंट करके। प्रथम महायुद्ध शुरू होना, स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवादी में प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। 1914 में अचानक युद्ध छिड़ गए, प्रथम विश्वयुद्ध भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा। उन्होंने ब्रिटेन पर किसी तरह के संकट भारत के हित में इसके लिए एक मौका, इस मौके पर कई जगहों पर कई तरह का फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों ने, भारत में लोकमान्य तिलक एनी बेसेंट उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका। गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था, यह एक साप्ताहिक पत्र था। गदर ब्रिटिश राज को, जो भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। मुख्य पत्र गदर, जिसका पहला संस्करण 1 नवंबर 1913 को फर्स्ट संस्करण जारी हुआ, एकदम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके सिलेबस में है और परीक्षा में पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे भाषा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गणित विज्ञान हो, चाहे एसएसटी से हो, सभी के लिए अनिवार्य है।
ठीक। अगला, नीचे व्यवस्थित करिए सही क्रम में। आपके पास समय कम है, 40 दिनों में इतिहास रचना है, इसलिए आराम से पढ़िए। ठीक, क्योंकि समय कम है और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। दांडी यात्रा 1930, साइमन कमीशन 1927, पूना पाक पूना समझौता 1932, गांधी इरविन समझौता 1931। अब आप क्रम से सजिएगा। ठीक, क्लियर? इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरी आपके हिसाब से क्या होगा? अगला सवाल आपके सामने, देखिए सभी लोग इलेनी भी दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। गले में थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्लास को आज थोड़ा जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि गला पूरी तरह से बैठ चुका है। यह क्लास आपको मेरे द्वारा निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में उपलब्ध कराई जा रही है। कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाना जाता है। द फ्रेंड ऑफ नेशन, इसका मतलब क्या होता है? द फ्रेंड ऑफ नेशन, चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई के बाद बैलिस्टर हो गए, और सबसे बड़ी सफलता इनकी वकील के रूप में थी अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष को बचाव करना। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी भी बनाई थी। दक्षिण अफ्रीका लौटने बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? 1915 में लौटे थे, और चंपारण में 1917 में अपना पहला सत्याग्रह शुरुआत करते हैं। ठीक है, चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नीली खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नीली खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों को अंग्रेज बागान मालिकों से किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों से इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसकी थी? अष्टप्रधान, जवाब जल्दी दीजिएगा, ये आखिरी प्रश्न है आज का। शिवाजी, शिवाजी के राज्य, शिवाजी के राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान था। इनमें पेशवा सबसे बड़ा पद होता था। अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश थे। शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक, किसी को दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। बाकी सभी क्लास के लिए और इसकी पीडीएफ के लिए ठीक टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। रिसेंट में अगर आपने बनवाया है कोई दिक्कत नहीं, निवास आपका रिसेंट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, छापा मार भी शिवाजी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को शेयर करिएगा, प्रतिदिन रात 9:30 ई लर्निंग विद दुर्गेश पर 50 नंबर की। बाकी सुबह से क्लास शुरू हो जाती है। पहली क्लास आपको 6:30 पर करंटली क्लास मिलती है, 2020 नैनो मैगजीन। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अब तो दवा भी नहीं मिलना इस टाइम, लेकिन फिलहाल चलते हैं। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आपकी रेस उनके साथ है जो इस परीक्षा में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। अब से बने रहिएगा, देखते हैं विजेता विजय की बात ही रुकते हैं, उसके पहले न थकते हैं न बैठते हैं।
अपना बेस्ट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत। यार शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुपों में, अपने साथी मित्रों को बता दीजिएगा कौन सी क्लास कितने कितने बजे आती है। पूछा तो मैंने बता दिया रिसेंटली का निवास से चलेगा, आप कितनी बार बताएं। ठीक चलेगा, बाय बाय।